हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट हेल्प इंडिया। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप वीवो के फ़ोन में आप फ्लैशलाइट नोटिफिकेशन कैसे ऑन कर सकते हैं। गाइस, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनके मोबाइल में कॉल आने पर उनका फ्लैशलाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाता है इस टाइप से। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर मेरे मोबाइल में कोई कॉल करे तो मेरा ये फ्लैशलाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाए, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये ट्रिक सभी वीवो फ़ोन में वर्क करने वाला है। अगर आपके पास वीवो 15 या 12 या 71 कुछ भी है, तो गाइस ये ट्रिक वर्क करने वाला है आपके मोबाइल में, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। आज ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकॉन मिलते हैं उस पर भी क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और गाइस, आप नीचे आइए और आप यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, नाइस वीडियो। ओके गाइस, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आप वीवो के मोबाइल में ये फ्लैशलाइट नोटिफिकेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो सेटिंग्स होता है, मोबाइल का सेटिंग्स ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है मोर सेटिंग्स में। मोर सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्लैशलाइट नोटिफिकेशन। तो गाइस, आपको फ्लैशलाइट नोटिफिकेशन में क्लिक करना है और कुछ ऐसा पेज आएगा आपके पास, और आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ लिखा हुआ है, दी रियर कैमरा फ्लैश ब्लिंकिंग फॉर इनकमिंग कॉल्स मैसेजेस एंड इवेंट्स अलर्ट व्हेन दी स्क्रीन इज ऑफ। गाइस, ये ट्रिक उसी वक्त काम करेगा जब आपके मोबाइल का स्क्रीन ऑफ रहेगा। अगर आप अपने मोबाइल में कोई काम कर रहे हैं या मोबाइल में मूवी देख रहे हैं तो फिर ये फ्लैशलाइट ब्लिंक नहीं होगा कॉल आने पर, मैसेजेस आने पर। ये उसी टाइम ब्लिंक होना स्टार्ट होगा जब आपका फ़ोन ऑफ स्क्रीन में रहे। फॉर एग्जांपल, आप अपने मोबाइल को कहीं पर रख दिए हैं और आपके मोबाइल का स्क्रीन ऑफ है, तो ये ट्रिक वर्क करेगा। कॉल आने पर आपके मोबाइल का फ्लैशलाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा बटन मिल जाते हैं, तो आप इस बटन में क्लिक कीजिए। ऐसे आपको करना है, इनेबल आपको इसे कर देना है। ये अभी डिसेबल है, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। तो आपको इसे इनेबल करके आपको यहाँ से बैक हो जाना है, और आप किसी दूसरे मोबाइल से आप यहाँ पर कॉल कीजिए या SMS कोई सेंड कीजिए, और आप देखिए आपके मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन ऑफ होना यानी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि आपके मोबाइल का डिस्प्ले ऑफ होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर लाइट जलता होगा तो ये फिर ट्रिक वर्क नहीं करेगा, आपके मोबाइल का डिस्प्ले ब्लैक होना चाहिए। और गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास रियलमी, रेडमी, ओप्पो, सैमसंग का, अगर आपके पास किसी दूसरे ब्रांड का मोबाइल है और आप अपने मोबाइल में ये सेटिंग्स इनेबल करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आप जिस भी मोबाइल के बारे में बताएंगे, मैं उसी मोबाइल का वीडियो नेक्स्ट टाइम लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपके पास कौन सा मोबाइल है। ओके गाइज, तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर दीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।